कि आज हमने टास्क जीता था, तो हमारा जो खुशी का लेवल था वो कुछ और ही था, और हम फुल एंथुसियाज्म के साथ वापस आते हैं अपने टेंट में। रिया मैम की गैंग ने मुझे इतने अच्छे से वेलकम किया, मुझे बहुत मजा आ रहा था। आपको मजा नहीं आया? आप लकीली बहुत अच्छी गैंग में आ गए। सिग्नेचर मूव गौतम गैंग, 3, 2, 1। सारे के सारे हमारे टीम वाले, इवन हमारे प्रिंस भाई मेरे पे चढ़ गए। मैंने जहाँ बोला कि मेरी USP है, मैं कैटापल्ट करके निशाना सही लगाऊंगा, वहाँ मेरी गलती हुई, वहाँ मैं लगा नहीं पाया निशाना। वहाँ से साइड मत हो यार, क्योंकि तूने बिच करा था कि सर मैं जाऊँगा, इसलिए वो ज़्यादा गुस्सा थे, समझ रहा है? चला चलते हैं, आगे बाहर चलते हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि अब लड़के आएंगे और वो लोग सॉरी रहेंगे, पर यहाँ पर सिनेरियो कुछ अलग ही था। तीनों लड़के आए, मुझे ब्लेम करने लगे कि आशिका तूने ऐसे सबके सामने कैसे बोला। तुम भिनचोद नहीं कर रहे ना, सभी बोल रही हूँ। कौन नहीं कर रहा भाई, अकेला कौन क्या कर पाएगा? अकेले आप क्या कर रहे हो तुम लोग? अगर यहाँ पर लड़के होते ना, अगर ये वाली बात बोल देते कि सारी की सारी लड़की आगती है, तो तुम लोग ना हमारे चिपट जाती है ऐसे। तो जिसने आगा है उसको बोल, सबको मत बोल मेरे सामने। अगर आपको 100% श्योर है ना आप ये कर पाओगे, तभी खुद को पिच करो। जैसे सोनू सर ने ना टास्क बोला ना, पीछे से लड़के का आवाज है, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा। अरे भाई तुम लोग टास्क समझो। अबे दो टास्क परफॉर्म किया बहन तूने, अभी इसे सर पे चढ़ेगी क्या? वासु को छोड़ दे, वासु की गलती हुई। इसका या मेरा रोल कर सकती थी, मैं उठा लेती, नीचे से खींच देती बंदे। मैं उठा लेती, तो ये बोलना आसान है, मैं ये भी बोलना आसान है, खींच भी लेती, ये बोलना आसान है। मैं स्टार्टिंग से क्या बोल रही हूँ, जो मैं चीज में माहिर हूँ, मैं वो चीज में पिच करूँ। हमने बोला तुम लोग अगर पिच करो, एक सेकंड, नहीं 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 सुनो, हमने तो सीढ़ी का दिया ना, लड़के हक गए। जितना तेरे लिए इम्पोर्टेंट है उससे ज्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है भाई। 3 साल तक घिस के शो के अंदर आए हैं, हमें नहीं पता कि टास्क कैसे करने हैं। सुबह सुबह हम सब उठते हैं और हमने वर्कआउट किया, और ऑल ऑफ अ सडन हमें एक नया स्क्रॉल आता है यार, वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा हैम्पर रखा है। अभी रोटीज में आई हूँ, हैम्पर मिलना शुरू हो गया, मैं तो खुश हो गई। गुड मॉर्निंग रोटीज। गुड मॉर्निंग। रोटीज की जर्नी आपको प्लेन से पहाड़ पे ले आई है, और इस टफ जर्नी को सर्वाइव करने के लिए मैंने भेजे हैं स्पेशली क्यूरेटेड सर्वाइवल किट फ्रॉम टैक, सर्वाइवल का हैक। So get ready and meet me for your next immunity task. Sonu sir. अंदर है moisturizer, sunscreen, face wash, और एक है Ayur Boost. मतलब जो needed था सब मिल गया ना। तो इतने सारे surprises के बाद task पे जाने के पहले अपने skin को sun damage से protect करने के लिए हमने लगाया Tag Iladi sunscreen. तो हम सब move कर जाते हैं अपने task location पे। जैसे हम टास्क लोकेशन पे पहुंचे, कोई साउथ की मूवी का एक्शन सीन चल रहा हो। दो ट्रक, बीच में पुल, नीचे बड़ा सा गड्ढा और एक रस्सी। भाई आज तो ऐसा लग रहा है कि लटक लटक के परफॉर्म करना पड़ेगा। वेलकम टू टैक एमटीवी रोडीज, कर्मिया कांड को पावर्ड बाय वाइल्ड स्टोन। सचिन बे, तेरे से बड़ा तेरे चश्मे। सर आजकल ऐसा मत बोला करो उसको, किसी के सामने तो मत बोला करो। किसको? सचिन को सर। थोड़ा सर मुझे ना एक तरफा प्यार हो गया सर। एक तरफा बे, एक तरफा वाले बहुत सारे हैं सर, दोनों तरफा कर ले फिर। मुझे नहीं लगता सचिन का कुछ आकृति के साथ सीन बनेगा, क्योंकि वो आकृति के कुछ छोटे भाई जैसा लगता है। आकृति वैलेंटाइन के दिन मुझे बुलाएगी और राखी वाले दिन सचिन को। दिग्विजय तू किस शर्मा रहे? वो बात हम लोग उधर कर रहे, तू अपने ऐसे ऐसे। नहीं सर, शर्माने की बात नहीं, एक्चुअली मैंने ऑब्जर्व किया चारों वाइल्ड गार्ड्स को, एंड मेरे को आकृति सबसे स्ट्रांग लगी। स्ट्रांग लगी? स्ट्रांग लगी कि अच्छी लगी? हाँ सर वो भी। वो भी सर, ये तो दो है, जोगिंदर भी 8 हो गया है।
जोगिंदर। अरे उससे डरो मत, वो जाति बोलेगा थारा भाई जोगिंदर। नहीं सर, फ्रेंड है, अच्छी फ्रेंड है। भाई साहब, जोगिंदर के दिल में प्यार पहाड़ पिघल रहा है दोस्तों, जोगिंदर को प्यार हो रहा है दोस्तों, तारा भाई अब किसी का भाई नहीं बनेगा दोस्तों। आकृति, yes, तू बता यार क्या चक्कर है। सर कल गई थी तो काफी लोगों ने मुझे आके ग्रीट किया, अच्छा लगा सबसे मिलके। और जैसे आप लोग बोल रहे हो कि देखा सिर्फ दिख विजय को दोनों बार। नहीं, एक बार भी थैंकफुल नहीं थी सर, मैंने इसके लिए इतना पिच किया सर, मेरे को बुरा लगा सर। कल बात ही नहीं की सर इसने, कल रात को बिल्कुल भी बुरा लगा, स्टार्टिंग से पिच कर रहा था सर। जाऊं क्या? चलो सचिन भाई मैं छोड़ देता हूँ, वो देख फोकस कर। आपको कौन पसंद है? फिर, नहीं नहीं सर, ऐसा मुझे कोई पसंद नहीं है, एक का नाम लेके फिर सब ओ करते तो फिर वो हो जाता है ना। मैं दिग्विजय की तरफ देखती हूँ, वो मुझे स्माइल पास करता है, और जब मैं सचिन को देखती हूँ तो उसकी माशाल्लाह शायरियाँ निकलती हैं। चलो यार मजे कर रहे हैं, सबको मजा आ रहा, मुझे भी मजा आ रहा है, मैंने कहा जैसा चल रहा है चलने दो। आज होने वाला है इम्यूनिटी टास्क, और उसमें दो गैंग्स जो हैं वो दोनों का फेस ऑफ होगा। क्योंकि रिया रोडियम्स के मामले में सबसे अमीर है, तो आज जो फेस ऑफ का टास्क होने वाला है उसमें रिया की गैंग या तो फेस ऑफ करके इम्यूनिटी जीत सकती है, या फिर बाहर बैठकर दर्शक बनकर बाकी दोनों गैंग्स को फेस ऑफ करा के भी इम्यूनिटी जीत सकती है। बहुत ही अच्छा, बिल्कुल सुकून आया। थोड़ा और समझाओ ना कि बाहर बैठ के कैसे मिल सकते हैं हमें इम्यूनिटी। चलो टास्क बताता हूँ। हाँ जी। okay. आज दो गैंग्स फेस ऑफ करेंगे। एक पिट दिख रही है? यस सर। क्या उसमें? कीचड़ सर। अरे क्या बात है, अगर कीचड़ रखेंगे तुम्हारे लिए। गोबर। गोबर रखा हुआ है यार। नो वे, नो वे डूड। जो गोबर में गिरेगा आज उसके जहन से वो स्मेल जाने ही नहीं वाली मेरे हिसाब से। स्पेशली मंगवाया गोबर। ओह शिट। आप लोगों के लिए एकदम फ्रेश वाला। नहीं नहीं स्पेशली नहीं मंगाया भाई, एकदम नेचुरल है भाई। ऐसा टास्क में जो मेरे गैंग ने हगा ये वो। अरे यार प्रिंस भाई ऐसा मत किया करो, माना कि गलतियां की है लेकिन इतना भी गोबर नहीं किया हमने जो वहां पड़ा हुआ है। आर्या तो क्या दे रहे डिसीजन है? मुझे लगता है क्योंकि आप लोग कल टास्क जीते हो, आप गोबर में जाना तो डिजर्व नहीं करते। इतना हमें बोल रहे थे, अब खेलो गोबर में, कूदो गोबर में, मारो एक दूसरे को, बैठ के देखेंगे और चाय पिए। सो गैंग्स आप देख रहे हो कि ये झूला है और बीच में एक सिल्वर बॉल है। सो आप दोनों में से एक एक रोडी बीच में आएगा, झुलाकर एक दूसरे को गिराने की कोशिश करेंगे, और जैसे ही मैं सीटी बजाऊंगा आपको जो बॉल ऊपर लटकी हुई है उसको पकड़ने की कोशिश करनी है। जो बाहर दर्शक बना हुआ है वो रस्सी खींच के हिला के जो रोडी से उनको गिराने की कोशिश कर सकता है। तो ये टास्क जीतने के सिर्फ दो ही तरीके, या तो आपने झूला झुलाकर सामने वाले जो रोडी है उसको गिरा दिया, या फिर आपने जो बॉल है उसको पकड़ लिया। इस टास्क में सात राउंड्स होंगे, सात इम्यूनिटीज मिल सकती है एक गैंग को। ओ, आज हम तो फोड़ने जा रहे हैं। सूर्या, एक गौतम के गैंग में से आएगा रोडी, एक प्रिंस के गैंग में से रोडी आएगा। अगर आपने गेस किया कि भैया ये प्रिंस के गैंग वाला रोडी जीतेगा, और आपका अगर गेस सही हुआ तो आपको मिलेगी एक इम्यूनिटी, और अगर आपका वो गेस गलत हुआ तो आपके 500 रोडियम्स कम हो जाएंगे। ओके। प्रिंस भाई और गौतम सर की राइवलरी शो के स्टार्टिंग से ही चल रही है, एंड आज प्रिंस गैंग को मुंह तोड़ मात खानी पड़ेगी। मेरे को पता था कि मुझे स्ट्रॉन्गेस्ट को चूज करके पेलना है ताकि जितने भौंक रहे ना इस समय उनका मुंह बंद हो जाए। सूर्या, सबसे पहले आप ये डिसाइड करोगे, क्योंकि आपके पास रोडियम्स है, प्रिंस के गैंग और गौतम के गैंग में से सबसे पहले चैलेंज करने का मौका किसको मिलेगा? गौतम मेरा दोस्त है। गौतम। गौतम, पहले राउंड के अंदर आप अपनी गैंग में से किसको भेजना चाहते हैं? मेरा डेडली एमएमए फाइटर पराक्रम। पराक्रम, अब तेरे को ये डिसाइड करना है कि प्रिंस की गैंग में से किसको चैलेंज करेगा सामने? शिवेत। शिवेत, वेरी गुड, मतलब स्ट्रॉन्ग तूने भी चुना है। मुझे लगा कि कहीं ना कहीं वो मेरा एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन है तो आजमा लेते।
सो इस टास्क का नाम है गो गोबर गॉन, ठीक है? एंड दिस टास्क इज ब्रॉट टू यू बाय टैक द आयुर्वेदा कंपनी. ऑल सेट? यस सर. यस सर. इट्स गौतम वर्सेस प्रिंस. The most awaited and exciting battle. Sushivit and Prakram. पहली विसल पे आपको ब्रिज पे आना है, गिराने की कोशिश करनी है, और सेकंड विसल पे आप बॉल को एम कर सकते हो, ठीक है? तो फर्स्ट राउंड स्टार्ट होता है और हमारे एमएमए प्रो फाइटर वहां से जाते हैं, प्राक्रम जी, जो पूरा डेंजरस ऐसे लग रहा है कि आज तो शिवित की बैंड बजने वाली है. मेरे साथ एक्साइटेड तो कोई भी नहीं था, क्योंकि मैं प्रूव करना चाहता था कि भाई जितना तुम स्ट्रॉन्ग बन लो, मेरे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोई भी नहीं है. रिया किस पे दाव लगाएगी? मुझे लगता है ये वाला पराक्रम जीतेगा. पराक्रम, मेरे 500 रोटियां में गवाई हो मत. रिया मैम बहुत स्मार्टली बिट कर देती है पराक्रम पे, क्योंकि पराक्रम ने अभी तक कोई भी टास्क को नहीं आ रहा है और उसने अपना बेस्ट दिया है. फील कर उसको, फील कर. हाँ, धीरे धीरे करके वो आगे बढ़ते हैं और हमारे दिलों की धड़कन दुग 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 कि भाई क्या होने वाला है आज, जो हमने बेटिंग लगाई है उस पे हम जीतने वाले हैं या फिर नहीं. Come on guys. तो स्ट्रैटेजी सिंपल थी, ब्रिज को हिलाएंगे हिलाएंगे, अगर गिरा तो गिरा, वरना बॉल को उठा के पकड़ लेंगे. वहाँ पहुँच के स्ट्रैटेजी काम ही नहीं आई, क्योंकि जब आप जितनी जोर से ब्रिज को हिलाते हो उतनी जोर से बॉल भी हिलने वाली थी. बॉल इतनी जोर से हिल रही थी कि जब मैंने जंप मारा तो जंप कहीं मारा और बॉल कहीं थी. एंड दोनों ने मिस करी बॉल, एक दूसरे को पकड़ा एंड सीधा गए गोबर. आप दोनों साथ ही में गिरे थे, सो इसलिए अभी एक और मौका मिलेगा आप लोगों को. अभी ये बॉल बीच में फेंकूंगा मैं, जो बॉल हाथ में लेके बाहर फेंकेगा वो जीतेगा. वहाँ पे इतना तगड़ा माहौल बन जाता है कि ठीक है, दिस इज समथिंग न्यू. यहाँ पे तो बॉस अब गोबर में कुश्ती होने वाली है. जैसे ही हम बॉल की तरफ भागते हैं तो पराक्रम बॉल पहले पकड़ लेता है और उसके बाद मेरे दिमाग में सिर्फ इतना है कि इसे यहीं दबा दूं, क्योंकि अगर ये खड़ा हुआ है बॉल बाहर फेंक देगा. मैंने एक पोजीशन ग्रैब करी कि मैं अपने पास बॉल बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ, मेरे को जब टाइम मिलेगा मैं तब बॉल फेंकूंगा, मेरे को कोई जल्दबाजी नहीं थी. Come on, Prakram! शिवी, गेम खत्म नहीं हुई, बॉल निकाल उसके हाथ से. प्राक्रम, तेरे से ऊपर कोई फाइटर नहीं है, तुझसे ऊपर कोई है ही नहीं, ये बच्चे तेरे आगे. शिवी, तेरे को पता तेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये. सिंपल मोटिवेशन हमारे लिए था कि जिस दिन टास्क हारेंगे उस दिन घर जाएंगे, क्योंकि हमारे लिए वो अलायंस बिल्कुल रहम नहीं करने वाली थी. चाहे इम्यूनिटी हो चाहे रोडियम्स, हमें अपना बैंक अकाउंट हमेशा फुल रखना होगा. बॉल मत छोड़ियो, बॉल मत छोड़ियो, बस बॉल उसके हाथ में आके वो फेंक देगा, बॉल मत छोड़ियो. शिवित भी जिस तरीके से परफॉर्म कर रहा था, आई वुड से लाइक अमेजिंग, क्योंकि इस ग्लैडिएटर से भिड़ने के लिए भी आपको जिगरा चाहिए. पराक्रम, थोड़े सा खड़े होने की कोशिश कर और उसको बैक से पीछे फेंक. चल स्वेट छोड़ दिया मत, बस अरे बाहर निकल के जा. शिविर तू ऊपर है, जा 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 शिविर, पीछे जा, इसको छोड़ के जा शिविर, भाग शिविर, भाग. हमें पता है कि पराक्रम की स्ट्रेंथ है, पराक्रम के पास स्किल है, वो कुछ ना कुछ करके कर सकता है, वो पलट सकता है गेम को. बट वो दोनों हिले ही नहीं, दो जिस्म एक जान बने हुए हैं वहां पर, ऐसे चिपके हुए हैं वहां पे.
अगर 30 सेकंड तक डेडलॉक नहीं खुलता राउंड वापस से शुरू करेंगे हम लोग ये वाला। लॉक ही रहे फिर से शुरू कर। लॉक ही है, 30 सेकंड का लॉक है, लगा दे उसको। 30 सेकंड लॉक लगा दे उसको, लगा दे उसके बाद आराम से कर। तो निकल जाए, चांस है तेरे पास, वरना दोबारा राउंड शुरू होगा। 3, 2, 1। अब पहला राउंड ड्रॉ हो गया था क्योंकि ना वो बॉल बाहर फेंक पाया था ना मैं, तो राउंड टू में डिसाइड होता है कि बॉल को सेंटर में रख दिया जाएगा, जो पहले उठा के बाहर फेंकेगा वो जीत जाएगा। मैंने बॉल फेंकी भी लेकिन वो बॉल बाहर गई ही नहीं। अरे अभी इसी हो गया। फिर से बॉल को फेंकता है, वो नहीं गई, तो थोड़ा सा था कि शिवज भाग के जाके बॉल ना ले ले। फाइनली बॉल कर चुकी थी पिट को पार और वहां से शोर मचना शुरू हुआ एंड मेरा टास्क हो चुका था खत्म। पराक्रम ही सच अ फाइटर यार, और उसके बीच में शिवित भी काफी स्ट्रॉन्ग। आई मीन आई न्यू कि शिवित स्ट्रॉन्ग है, पर दिस टास्क रियली प्रूव टू मी कि शिवित में दम है। पराक्रम, love you. इसके आगे कोई खड़ा भी नहीं हो सकता पराक्रम के आगे। He's a beast. So I was very impressed with पराक्रम. मैं बहुत ज़्यादा disappointed था क्योंकि ये टास्क मेरे रिस्पेक्ट अर्न करने वाला था और वहीं मैं थोड़ा बहुत फक अप कर गया क्योंकि ऑब्वियसली उस पर ग्रिप लेना आसान नहीं है, वो इतने सालों से एमएमए कर रहा है तो उसे पता है कैसे कैसे ग्रिप से बाहर निकलना है। पर दोनों ने अच्छा किया भाई, बहुत अच्छा किया ये तो बॉल, चलो वो तो है हाथ में आके कर लिया, बहुत अच्छा किया। मतलब वो उसका प्रोफेशन, इसका प्रोफेशन नहीं है, उसके बाद भी इतना होल्ड कर रहा है, नो डाउट। शिवित इज वेरी स्ट्रांग एज वेल, अब मैं उसी को ही उड़ाने वाला हूँ जल्दी। गौतम की गैंग, एक मिनट ही मिल गई है तुम लोगों को, और तेरे को हम सब खुश हो जाते हैं, इसी के साथ हमें मिल जाती है एक इम्यूनिटी। चलिए बस आगे बढ़ते हैं, अभी आप डिसाइड करोगे आपका बंदा कौन है। आशिका जाएगी, आप किसको चूज करोगे? पल्लवी को। इस पे आप किस पे दाव खेलोगे? आशिका पे। आ जा भाई, पल्लवी भी काफी स्ट्रॉन्ग है, पर आशिका इज अ नेशनल लेवल मलखम चैंपियन एंड आशिका मुझे काफी सॉलिड लगती है, तो मेरा बेट आशिका पे है। दिस इज योर चांस, खिला पल्लवी, हिलाना शुरू कर दे भाई, हो जा शुरू। हां बस, चल आशिका। हमारा टास्क स्टार्ट होता है, हम दोनों एक दूसरे को स्टेबल ना रहने की कोशिश कर रहे हैं, पूरा ऐसे मूव कर रहे हैं। चल रही है वो, हिलाती रहे। चलो पल्लवी, चल, तो चलने मत दे। पल्लवी मुझे काफी ट्राई कर रही थी गिराने के लिए, बट मैं काफी ही फोकस थी, मैं पल्लवी की बस आंखों में देख रही थी, उसको ऐसा दिखा रही थी कि भाई मैं तेरे से डरती वगैरह नहीं हूँ। आशिका रेडी रहे, मिसल बनने वाली है। बॉल को पकड़ने के चक्कर में हम दोनों ही ब्रिज पे गिर जाते हैं, डिसबैलेंस होते हैं पहले। चल 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 आशिका, ये गलत है सर, पकड़ बॉल। You can't fuck! You
सकती बॉल, क्योंकि सोनू सर ने पहले ही बोला कि अगर बॉल हाथ में आ गया उसके बाद आप छीन नहीं सकते। बॉल उसके हाथ में आ चुका है, सो दैट्स व्हाई हो चुका, उसके बाद बॉल वहां से फेंक के छीनना नहीं है। प्रिंस, आपको एक इम्यूनिटी मिल गई है इसमें। भाई, लड़कों की शामत आने वाली है, ये बंदी एक और टास्क जीत गई। ताने सुनने के लिए कान रेडी रखो। रिया, तू तो चल क्या रहा है तेरा? मतलब चल क्या रहा है इसका? कभी इधर लगाती है तो इम्यूनिटी ले लेती है, उधर लगाती है तो इम्यूनिटी ले लेती है। अगेन हमने जीत ली थी दूसरी इम्यूनिटी सिर्फ रिया मैम के दिमाग की वजह से। कहीं ना कहीं वी आर रियली हैप्पी। अभी गौतम की टीम में से एक रोडी सोच समझ के। दिग्विजय एंड सामने से आएगा सर। जोगिंदर ने बड़ी 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 बातें करी है वोट आउट में कि सामने आ जा, तो आज देख लेते हैं। आजा चढ़ती है मेरे को इससे मुंह पे आ रही है, समझते रहे। वोट आउट में बहुत बकवास करता है कि आजा दो दो हाथ कर ले, देख लेते हैं। तो आज मौका है दो दो हाथ करने का, तो देखते हैं जोगिंदर को मैं कैसे पेलूंगा। सिस्टम थारा भाई जोगिंदर आ गया, आज अपने आप को प्रूव करेंगे कि हम क्या चीज है। रिया, किस पे दाव लगाने वाली है तू? देख मुझे, जोगिंदर जीत सकता है, उसमें है दम, पर वो कई बार फोकस नहीं करता। सो माय बेट इज दिग्विजय। कम ऑन, आजा। जोगी बहुत एक्साइटेड था, उसने ऐसे हवा बना कि आजा आजा, ऐसे कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है कि भाई आज पता नहीं क्या ही कुश्ती होने वाली है। आजा, आजा, आजा। सीटी बजने वाली है। मैंने कहा यार ये क्या हो गया। अबर कॉन्फिडेंट में ज्यादा बोल दिए का। जोगिंदर जो कि बैल बुद्धि है, मेरे को झपट के वो नीचे गिराना चाहता होता है, बट इस चक्कर में वो खुद ही नीचे गिर जाता है। तारा भाई जोगिंदर। प्रिंस की गैंग में एक बड़ी खासियत है, उसके जो कई रोडीज है ना, ओवर कॉन्फिडेंट रोडीज, बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंट गैंग लीडर की तरह है, जो कि सिर्फ बोलते हैं, सिर्फ बोलते हैं। और फिर से रिया, ये क्या किया? So happy, हाँ? Smart work. तुम लोग सही हो यार। तीन इम्यूनिटी जीत चुकी है। बेबी चमक रही है। बैक टू बैक इम्यूनिटी जीतते हुए मुझे तो बहुत ही मजा आ रहा था, लेकिन प्रिंस की शक्ल देख के भी मुझे काफी मजा आ रहा था, क्योंकि वो हमेशा कहता है ना वन ऑन वन कर लो, तुम लोग अलायंस में क्या करते हो, इसमें तो कोई अलायंस नहीं थी, तो भी उसकी गैंग हार रही थी और तो भी एक के बाद एक सब हार रहे थे। तो चलिए बॉस, अगला राउंड जो है, प्रिंस आपको चैलेंजर भेजना, कौन कौन जाएगा? मैं चले जाती हूं। ठीक है, तो प्रियंका गुप्ता जाएगी। प्रियंका, आप किसको चूज करोगे? सर लीजा। लीजा को ग्रेट। अरे सुनो, प्रियंका थोड़ी टक्कर तो करवाती है उसकी, वो देख रेडी बैठी है लीजा के लिए। पैंडा बोल रही थी शो से पहले आओ आओ आओ, तो मैंने बोला कि नहीं मुझे करना है कंपटीशन पैंडा के साथ। कोई नहीं सर, पीयू कर लेते हैं। दो लाइन बोल दिया, तेरे सौ आंसू बहने लगते हैं, मेरे को बोल रही डर गई। उनसे कौन डरेगा, लेकिन ये मेरी टीम का स्मार्ट मूव था कि जब अगर प्रियंका लीजा के साथ जाएंगी तो प्रियंका के चांसेस बढ़ेंगे इम्यूनिटी लाने के, जो कि मुझे लगता है एज अ गैंग ऐसे ही खेलना चाहिए। लीजा बोला सर मैंने, लीजा। अरे डर बहुत है, डर है क्या? प्रियंका गुप्ता वैसे तो कैंप में बड़े धक्के वक्के मारती है पीयू को, बट टास्क के टाइम पे उसकी फट क्यों गई? हो गया, ये तुम्हारा, ये क्या प्रियंका खेल लिया।
बोल बोल बोलती रह 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 बोलती पहले मेडल तो जीत ले बॉक्सिंग के। अच्छा जी परफॉर्म करके दिखाना। बहुत सही बोला दियो, बहुत सही बोला। ये गालिया रिया किस पे दाव लगाएगी? प्रियंका गुप्ता। ओह माय गॉड रिया व्हाट्स रॉन्ग विद यू। मुझे वो कॉन्फिडेंस अच्छा लगता है रिया मैम का कि वो मेरे ऊपर पिच करती हैं। शी नोज हूज अ परफॉर्मर। प्रियंका गुप्ता थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट लग रही थी जिस तरह से वो मूव कर रही थी, तो कहीं ना कहीं मेरी घंटी बजती कि क्या पता ये डिसीजन मैम का गलत ना हो जाए और प्रियंका गुप्ता इस ब्रिज से गिर ना जाए। प्रियंका रेडी रहे। देखने लायक थी क्योंकि वो बोलती बहुत है और जैसे ही उसने मेरे को परफॉर्म करते हुए देखा तो उसका मुंह इतना छोटा सा हो गया था। बस गेम तो होती रहेगी, पहले रिया तू इधर आ चुपचाप। ये चल क्या रहा है सर? मैं सिंपल ये क्या चल रहा है? ये देश ये जानना चाहता चल क्या रहा है? जहाँ पे लगाती हो जीत रहे हैं सर। देश की बात मत करो, डर लगता है। लेकिन आपको इतना बताना चाहूंगी कि एक्चुअली हमारे रस्सी पुलिंग से कुछ नहीं हो रहा है। तो अब मुझे सिर्फ गट डिस्ट्रिक्ट पर जाना पड़ रहा है कि वहां से कौन आ रहा है और यहां से कौन आ रहा है। पर इतनी मतलब 100% रिजल्ट्स आ रहे हैं तेरे। सर आप ऐसे मतलब नजर मत लगाओ ना। रिया मैम की जो एक्यूरेसी थी, जिस तरह से वो एनालाइज कर रही थी चीजों को, वो बहुत ज्यादा टू द पॉइंट थी और हमें फिर से मिल जाता है फोर्थ इम्यूनिटी इन द फोर्थ राउंड, यानी कंटिन्यूअसली चार राउंड हम जीत जाते हैं। अभी आपकी टर्न है चुनने की। यस सोच समझ के। पियू 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 अब बुला ले दोबारा। अरे पर जब जहाँ से तब तक तूने किया नहीं बकरान का इजाम खड़ी होके नीचे आ जा बैठना। अभी छोड़ ना यार, तू इम्यूनिटी ले तो अपने काम से दिखा। दैट इज लिटिल गर्ल। हाँ बस 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 शी इज डूइंग व्हाट शी डज द बेस्ट। ब्रोडो मारी प्रियंका चौधरी एंड पियू। पीहू के पास कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि प्रिंस सर के गैंग से मैं अकेली लड़की बची थी, तो मैं जा रही थी पीहू के अगेंस्ट। रिया ने दाव लगाया है पीहू पे। पीहू पर कम ऑन प्रियंका कम ऑन। आगे जा आगे आगे जा। बस अभी पीछे हो पीछे हो पीछे हो पीहू। बस 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 प्रियंका चौधरी आगे हो थोड़ा देर संभाल के। पीहू थोड़ा कितना ला 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 पीहू की स्टेबिलिटी मुझसे काफी ज्यादा अच्छी है। पीहू मुझे गिराने का काफी ट्राई कर रही थी, वो काफी फोर्स से पैर हिला रही थी। जो भी उस क्लास में पहली बारी में खुदा है ना, किसी ने भी बॉल नहीं टच करी है, बट पहली बारी में बैलेंस जरूर लूज किया। तो मैं वही चीज़ का वेट कर रही थी कि प्रियंका चौधरी कब जंप करेगी और कब मैं उसका बैलेंस और लड़खड़ा सकती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी उनका बैलेंस लड़खड़ा रहा था। बस यही हुआ, फिर उन्होंने जंप करी, उनका बैलेंस लूज हुआ और वो खुद ही नीचे गिर गए। तू ठीक है? It's all right, तुझे प्रियंका?
बहुत डर गया था क्योंकि वो अपने पैरों के बाहर गिरी थी, तो मुझे लगा था बस वो ठीक हो, इट्स ओके, हार जीत कोई फर्क नहीं पड़ता। एक एक ताली उसके लिए भी हो जाए, उसने अच्छा ट्राई किया। जिस तरह से प्रियंका चौधरी परफॉर्म करती है वो देख के लोगों को बहुत अच्छा लगता है, जिस तरह से वो पूरे एंथुजियाज्म से पूरा घुस जाती है वो बहुत ज्यादा काबिले तारीफ लगी। तो गाइस, गौतम के गैंग को मिल चुकी है 3 इम्यूनिटीज, प्रिंस के गैंग को मिल चुकी है 2, और रिया के गैंग को मिल चुकी है। भाई जब पता चला कि सारी इम्यूनिटी हम एक के बाद जीतते जा रहे थे, अपना कॉन्फिडेंस भी अलग ही लेवल में जा रहा था। चलिए अगला खिलाड़ी कौन है? अगला है नवीन। नवीन किसको चैलेंज करेगा? जीतना अब सर मैं राजवीर को। कम ऑन राजवीर, कम ऑन राजवीर। राजवीर तो जंपर है मेरा, जंपर भैया बहुत अच्छा जंपर है। I'm telling you. Don't reject me. I am a learner. ये राउंड थोड़ा कंफ्यूजिंग था, क्योंकि दोनों ही बंदे स्ट्रॉन्ग थे, दोनों ही बंदे अजाइल थे। मुझे सीखने दो। तेरे को रोडियम पेश करने लगा? गट फीलिंग के साथ जाएगा मैम। नवीन। हाँ चल कोई बात। बात। Come on, राजवीर, focus. Come on, नवीन. नवीन का जो बॉडी लैंग्वेज होता है वो अलग ही कुछ ओवर कॉन्फिडेंट शो करता है। फोकस कर नवीन, फोकस कर। तो बोल रहे हम लोग, अरे भोसड़ी के बॉल पे देख, तू सामने वाले को क्यों देख रहा है? तो भी अपने पटेली के अंदर झूम रहा है, खेल रहा है। जो ज्यादा फुदकने वाला है वो हारने वाला है। मेरी स्ट्रेटेजी ये थी कि मैं अपने आप को स्टेबल करके वो बॉल ले लूं। बस बिसल आने वाली है। हमें नहीं दे। अभी बॉल, ओनली बॉल पे फोकस। नहीं ज्यादा कूद रहा था, ज्यादा फुदक रहा था और वो सीधा जाके गिर गया गोबर पे। भाई ये नहीं है, ये धक्का मारा उसने। अपने आप गिरा है। उसने पुश किया भाई। लेट गो। तुमको पुश नहीं हुआ? एक बात तो प्रिंस सर के गैंग में है ना, हगना तो पक्का है, और इनके सब भाई बंधु ने पहले से हक्के रखा है, तो इसको भी कहीं ना कहीं टेस्ट करना है ना। गू ये भी कूद गया गू के अंदर। मैं बोला अरे यार, गुड वन भाई, गुड वन। ताज खो रहा है गोबर के बीच में। गोबर यानी कि हमारा किया हुआ, हमारा होम ग्राउंड, और भाई हम अपने होम ग्राउंड में भी हार गए, इससे ज्यादा बेइज्जती क्या ही होगी हमारे लिए। मैंने तेरे को क्या बोला था, वो जंपर है, तूने मेरी बात नहीं सुनी। But I still love you, it's okay. सही बोला था, I still love you too. हमें इम्यूनिटी नहीं मिलती इस राउंड में, और कहीं ना कहीं रॉन्ग बेट लगाने के लिए हमें मिलती है 500 रोडियम्स की पेनल्टी। गौतम आपके गैंग की चॉइस करनी है। कौन बचा मेरी टीम में? हिमांशु। हिमांशु ना, मैं फाइनली रेडी हो गया था। चलो इसके अगेंस्ट तो मैं ही जाऊंगा, इसको पेल के आऊंगा, आज इसको दिखा दूंगा कि मैं कौन हूं। किसके साथ जाना चाहता है तू? गाइस प्रेम। वाशु, वाशु सर। अरे यार गधा बनती मत करो यार। तू तू वाशु के साथ नहीं, तू प्रेम के साथ जा। डर गई क्या? सर रहने दो, सर वाशु के साथ जा लें तो मैं बता रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, इम्यूनिटी इंपॉर्टेंट है, आप इम्यूनिटी इंपॉर्टेंट है, आगे मौका मिलेगा पेलेंगे उसको भी। इम्पोर्टेंट है भाई। मेरी स्ट्रेटेजी के हिसाब से जो मुझे लगता है मुझे इसको इम्यूनिटी दिलानी है ताकि ये सेफ हो जाए। ओके अच्छा ठीक है, पर जब जब यही हम कर रहे थे तब इतना चीख चिकाया क्यों था? हैं? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं चीख चिकाया, हम लोग मजे ले रहे थे, हम लोग मजे ले रहे थे। प्रेम प्रेम, हम लोग मजे ले रहे थे। प्रेम ना, प्रेम प्रेम, इसके बीच में से निकल के ऐसे चल जियो। रियलाइज होते कि
अब तो और राउंड बचे ही नहीं, मेरी चांस ही नहीं आ पाई। सो मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गया था, मेरा बहुत गुस्सा आ रहा था। जो शक्ल पे दिख रहा है फटी हुई थी मेरे से इसकी और गौतम सर की शक्ल पे भी। क्या क्या कह रहे? क्या बोला वो? कहता है कि गौतम सर की और हिमांशु की फट रही है देख के शक्ल पे। किसने बोला? बोला सर ऐसे गुस्सा मार रहा है, पूछ लो। तूने बोला गौतम? गौतम सर नहीं बोला, गौतम सर की टीम बोल रहा है। गौतम सर की टीम बोला, गौतम सर की टीम टीम। हाँ ओके, थोड़ा रिस्पेक्ट से यहाँ बेटा, वरना अभी तेरे को बाहर कर दूंगा शो से 2 मिनट में। रिस्पेक्ट रख बेटा, रिस्पेक्ट रख, 2 मिनट में बाहर कर दूंगा तुझको मैं। पता है सर, आई नो। गेम में इतना मत घुस जाओ ओके बेटा। मेरी बात सुनो। नहीं वो नाम ले रहा है मेरा, वो बाहर तो आधे घंटे में भी नहीं कर सकता, पर कोई मेरे गैंग से तेरे को ऐसे बोलेगा नहीं। नहीं नहीं नहीं, पर वो नाम मेरा ले रहा है। हाँ तो वही कह रहा हूँ, मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, तेरा नाम लेगा मैं खुद निकाल दूंगा। प्रिंस, प्रिंस, नाम ले, नाम लिया, नहीं नाम लिया ना, तेरी को डिसरिस्पेक्ट करेगा मैं खुद निकाल दूंगा। If somebody from my side is gonna disrespect you, I'm gonna say calm down. तेरे को मैं वही बोल रहा हूँ, अगर मेरे गैंग से तेरे को या कि इनको कुछ बोल देगा तो मैं खुद आगे बढ़ूँ। चलो आगे बढ़ते, I got it. चल छोड़, आगे बढ़ो, चलो आगे बढ़ो। गौतम सर भी बहुत ज्यादा भड़क गए थे, प्रिंस सर भी बहुत भड़के हुए थे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं उसने खुद के पैर में कुल्हाड़ी मार दी। रिया। हाँ जी। आखिरी राउंड किस पे लगा रही है? हिमांशु। गली गली। बहुत बढ़िया, चलो प्रेम भाई बढ़िया। प्रेम आगे जाना, जाओ प्रेम लेके जाया करेगा, आगे जा और आगे जा, एक्स के पास जा, मजे ले मजे ले मजे ले। प्रेम और आगे जा। प्रेम आगे जा, प्रेम मिला ले, प्रेम है, प्रेम आगे जा। ए भाई धीरे कर ले यार। प्रेम आगे। आशिका ने मुझे एक बात बताई थी कि जब भी वो जंप करे तुम जंप करना, वरना खड़े रहना। तो मैं बस वही माइंड सेट रहकर अपने आप को बैलेंस कर रहा था, बैलेंस कर रहा था। तो मांचु जाके वो बॉल को ऐसे पकड़ता है और ले आता है, तो हमें लगा ये क्या हुआ। ओह माय। मैं सोच रहा था ये बंदा जंप करे तो मैं जंप करूं, उसने जंप ही नहीं किया तो मैं क्यों जंप करूं। वो इतना फनी था कि हम सब हंस हंस के पागल हो चुके थे। परंपरा प्रतिष्ठा चल रही थी प्रिंस गैंग की, हगना कंपलसरी था, तो मैं इस परंपरा के साथ गया और मैंने भी थोड़ी सी टट्टी कर दी टास्क में। ये सबसे स्मार्ट आदमी है, इसको पता था बॉल तो नहीं आएगी लेकिन कीचड़ में नहीं गिरूंगा मैं। प्रेम की स्ट्रेटजी बड़ी सही थी, उसने कहा कि जब हारना ही है तो गोबर में गिरते हुए क्यों हारूं, सिर्फ हारूं ना। सर कैसे गैंग लीडर हो, खुद की टीम वाले को धक्का मारते हो। गैंग लीडर से ढोका मिल गया भाई, सीधा घुटने तलक गोबर के अंदर। मेरा हो गया था, मैं बर्बाद। मेरी बात सुन प्रेम, तू कीचड़ लेके छा सकता है, मेरे को छुपने दे एक मिनट। प्रेम भाई ने फिर हाथ से गोबर पकड़ पकड़ के ऐसे फैला दिया, सब वहां से गायब। मैंने कहा भाई आज मजा आ गया। So Rodies, well done. और गैंग लीडर्स आज तो खूब इम्यूनिटी बटी है यार, रिया टॉप कर रही है 6 इम्यूनिटीज के साथ। 6 इम्यूनिटी के साथ हमको ऐसे लग रहा है भाई ये रोडीज के बादशाह हम लोग ही हैं। गौतम 5 5 इम्यूनिटीज। आई एम वेरी हैप्पी कि मेरा गैंग जिस तरीके से परफॉर्म कर रहा है।
लव यू ऑल। प्रिंस दो, प्रिंस गैंग से दो इम्यूनिटी जीते वो लोग एंड दोनों इम्यूनिटी उनकी लड़कियों ने जीती है, एंड जिससे साफ साफ प्रूव होता है कि उनके लड़के हमेशा हगते ही हैं एंड गोबर में गिरते हैं। मेरे पास सब विनर्स के लिए स्पेशल हैंपर्स फ्रॉम टैक द आयुर्वेदा कंपनी। थैंक यू सो मच टैक आयुर्वेदा कंपनी फॉर गिविंग अस द बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट। तो रोडीज आज रात को बड़ी स्पेशल नाइट है क्योंकि आज होने वाला है एक तो पहले उनका अलायंस, ऊपर से उनके पास 11 इम्यूनिटीज। मुझे पता था आज रात शायद मैं घर जाने वाला हूँ। हमारे पास थे रोडियम्स इम्यूनिटी और हमारे पास थी अलायंस, हमारे पास था सब कुछ। तो हमारी गैंग थी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट कि आज तो हम करने वाले हैं कुछ तो खतरनाक। टारगेट बहुत ही क्लियर था, निशाना सज चुका था। वी आर वेटिंग फॉर द वोट आउट।